सल्यूशन ऑफ चैप्टर वन कंप्यूटर क्लास एट्थ कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ऑप्शन है सर्वर इंटरनेट और ब्राउज़र तो इसका आंसर है इंटरनेट क्योंकि सर्वर जो होता है वो सर्वर जो होता है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है और इंटरनेट चलाने के लिए और ब्राउज़र जो होता है वो एक सॉफ़्टवेयर होता है जो कि ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे इंटरनेट चलाया जाता है और इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है इसीलिए सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो इंटरनेट होता है एन आई सी स्टैंड फॉर एन आई सी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एन आई सी एक ऐसी डिवाइस होती है जो ज़्यादातर कंप्यूटरों में लगी होती है और उसमें यू एस बी पोर्ट्स होते हैं जिसमें केबल्स कनेक्ट की जाती हैं डिवायर्स दैट आर कनेक्ट टू कंप्यूटर एंड रिजोर्सेज ऑन द नेटवर्क कॉल्ड जो जो वायर जिससे कनेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर्स के जितने इक्विपमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं तो कंप्यूटराइज लैंग्वेज में वायर्स को केबल्स बोलते हैं विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क तो पैन मैन और कैन तीन ऑप्शन है जिसमें इसका आंसर है मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क क्योंकि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क को कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर बनाते हैं जैसे एक सिटी का नेटवर्क को मेट्रोपोलियन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं जिसमें बहुत सारे लैंड इंक्लूड होते हैं अब दूसरा जो क्वेश्चन था इसका वो था ट्रू फॉल्स का तो पहला क्वेश्चन है ए नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ़ डिवाइसेस कनेक्टेड विथ ईच अदर एक नेटवर्क ग्रुप ऑफ डिवाइस होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये बात ट्रू है दूसरा क्वेश्चन है ए नेटवर्क कैन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज़ कॉस्ट इसका मतलब ये है कि एक नेटवर्क प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है घटाता है मतलब और इंक्रीज़ कॉस्ट और कॉस्ट को बढ़ाता है तो ये बात फॉल्स है जबकि नेटवर्क का यूज़ करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कॉस्ट घटती है क्वेश्चन नंबर थ्री है एस टी टी पी स्टैंड फ़ॉर हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये बात बिल्कुल ट्रू है क्योंकि एस टी टी पी का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर फोर है इन बस टोपोलॉजी मोड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल स्विच ये बात फॉल्स है क्योंकि ऐसा होता है सिर्फ स्टार टोपोलॉजी में कि सारे मोड सेंटर सेंटर में कनेक्टेड होते हैं क्वेश्चन नंबर सी जो था वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ए नेटवर्क कैन बी नेटवर्क कैन बी ऑफ एनी साइज नेटवर्क किसी भी साइज़ का हो सकता है छोटा साइज स्मॉल साइज या बिग साइज़ एन आई सी हैज़ अ पोर्ट वेयर द नेटवर्क केबल प्लग इन हम पहले ही बताए थे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो ज़्यादातर कंप्यूटरों की बैक साइड में सीपीयू की बैक साइड में लगा होता है जिसमें कई सारे पोर्ट होते हैं और उस पोर्ट में नेटवर्क केबल को हम लगाते हैं आजकल का जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है उसमें नेटवर्क के जो पोर्ट होते हैं वो यू पोर्ट होते हैं तो उसमें यू केबल लगती हैं जिसके जिसके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसमें आप देख सकते हैं कि यू पोर्ट बने हुए हैं तो यू पोर्ट जो बना हुआ है वो अंदर उसके एन लगा हुआ है यानी कि एक कार्ड लगा है और उसी कार्ड को ही एन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं आ मैन हैज़ अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क ये भी पहले हम बता चुके हैं कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जो होता है कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क का कलेक्शन होता है स्टार टोपोलॉजी हैज़ मिनिमल लाइन कॉस्ट तीन टोपोलॉजी ज़्यादातर यूज़ होती है रिंग टोपोलॉजी स्टार और बस टोपोलॉजी जिसमें स्टार टोपोलॉजी में सबसे कम लाइन कॉस्ट आती है मतलब सबसे कम केबल इसमें लगती है अब आता है नंबर क्वेश्चन और आंसर का क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर नेटवर्क आप कंप्यूटर नेटवर्क से क्या समझते हैं तो इसका आंसर बहुत सिंपल लिखवाए हैं वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको समझने में काफ़ी टाइम लग सकता है लेकिन आप लोग के कोर्स में बहुत कम है और इसीलिए बहुत शॉर्ट आंसर लिखा है इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरीफेयरल डिवाइस तो कंप्यूटर नेटवर्क इसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कई सारे कंप्यूटर का कलेक्शन होता है और पेरीफेयरल डिवाइस पेरीफेयरल डिवाइस मतलब कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स जैसे कि प्रिंटर कनेक्टेड है उसमें और जो है मॉडेम कनेक्ट है और कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो वो सारे डिवाइस को ही पेरीफेरल डिवाइस बोला जा रहा है तो कई सारे कंप्यूटर और पेरीफेरल डिवाइस जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं चाहे केबल के थ्रू या विदाउट केबल तो उस टाइप के जो सिस्टम बनता है उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं जैसे दस बारह कंप्यूटर एक लैब में रखे हैं और एक दूसरे से हम केबल से उसे कनेक्ट कर दें तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मेनली तीन टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं लैन मैन और वैन लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज़ नोड नोड क्या होता है नोड इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इन अ नेटवर्क इन एनी कंप्यूटर नेटवर्क ऑल ज्वाइंट्स आर कॉल्ड एज नोट्स किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो केबल्स uh, के ज्वाइंट्स होते हैं उसी को नोट्स बोलते हैं जहाँ केबल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसके अलावा भी कुछ सिस्टम में जो कंप्यूटर्स होते हैं या पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं उसको भी नोड बोल दिया जाता है लेकिन मेनली जो नोड यूज़ किया जाता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही कहते हैं जहाँ पर दो वायर या तीन वायर आपस में जुड़ रहे हों ज्वाइंट बनता है उसी को ही नोड बोलते हैं वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई टोपोलॉजी टोपोलॉजी क्या होती है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी कई सारे कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क तो कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके को ही टोपोलॉजी बोली जाती है तो तीन टाइप्स की टोपोलॉजी यूज़ होती है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी नंबर वन है स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी में देखिए फिगर में बना हुआ है कि सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव पाँच कंप्यूटर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं केबल्स के, के थ्रू और सारे कंप्यूटर्स एक ही कंप्यूटर C1 से कनेक्टेड है तो इस टाइप को देखने से ऐसे लगता है कि ये सब जो है स्टार की तरह बन रहे हैं जैसे सेंटर में ही एक ही जगह एक ही कंप्यूटर से आके कनेक्ट होते हैं तो इसीलिए इसको स्टार इस टोपोलॉजी बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी में इस तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं कि फ़र्स्ट कंप्यूटर सेकेंड कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और सेकेंड वाला थर्ड से थर्ड वाला फोर्थ से फोर्थ वाला फिफ्थ से और फिफ्थ वाला सिक्स से और सिक्स वाला सेवन से ऐसे करते हुए लास्ट वाला कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है तो एक गोल गोल पूरा गोलाकार जो है कनेक्शन होता है तो इसी के लिए इसको रिंग टाइप का बन जाता है और इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं जैसे कि फिगर में शो हुआ है पांच कंप्यूटर है सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी वन सी टू से कनेक्ट है सी टू सी थ्री से सी थ्री सी फोर से सी फोर C5 से और C5 सबसे लास्ट वाला है जो आके C1 से कनेक्टेड है तो ये रिंग की तरह लगता है इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं नंबर थ्री है बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी में एक केबल गई रहती है जिसको बस बोलते हैं मेन केबल जैसे कि फिगर में शो है और इसी मेन केबल से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स एंड सो ऑन सारे कंप्यूटर एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं और इस सेंटर केबल को ही बस बोलते हैं जैसे फिगर में शो है क्वेश्चन नंबर फोर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैन मैन एंड वैन लैन मैन और वैन में क्या अंतर होता है लैन इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क फॉर एग्जांपल नेटवर्क ऑफ स्कूल्स कंप्यूटर लैब किसी स्कूल का कंप्यूटर लैब एक लैन का एग्जाम्पल हो सकता है नेटवर्क ऑफ ए कंपनी ऑफिस किसी कंपनी के ऑफिस का जो नेटवर्क होता है कंप्यूटरों का उसको भी हम लैन का एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं मैन क्या होता है मैन स्टैंड इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इट इज़ बिग कंपेयर टू लैन ये लैन से बड़ा होता है मैन इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी लैन मैन मेट्रोपोलियन नेटवर्क कई सारे लैन का कलेक्शन होता है दस लाइन पंद्रह लाइन बीस लाइन जैसे कई सारे स्कूल्स के लोकल एरिया नेटवर्क जब आपस में जोड़ दिए जाएँ किसी वायरलेस या वायर के थ्रू तो ऐसे नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते है हैं तभी इसके एग्जांपल में नेटवर्क ऑफ अ सिटी लिया जाता है वैन क्या होता है वैन इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क इट इज इट स्प्रीड्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये पूरे संसार में फैला होता है डब्ल्यू 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 इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस नेटवर्क डब्ल्यू 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 इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है इट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ये तीनों में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है चूँकि ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है इसलिए इसको इसलिए आप वैसे ही तीनों में बड़ा है लैन और मैन और वैन में क्योंकि लैन जो है एक स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है जैसे कि एक बिल्डिंग का नेटवर्क एक स्कूल का नेटवर्क एक ऑफिस का नेटवर्क मैन लैं से बड़ा होता है कई सारे लैंस का कलेक्शन होता है जैसे कि एक बड़ी सिटी का या एक छोटी सिटी का नेटवर्क और वैन जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ या पूरी जो है कंट्री में फैला हुआ नेटवर्क को वैन बोलते हैं जैसे इंडिया के नेटवर्क या इंडिया और जो है अमेरिका और कई सारे देश आपस में जुड़ते हैं इंटरनेट के थ्रू तो वाला नेटवर्क सारा डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू बोला जाता है तो इसे वैन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन केबल कनेक्टर एंड एन केबल कनेक्टर एंड एन पे शॉर्ट नोट लिखिए तो केबल्स क्या होती हैं दीज आर द वायर्स दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड रिजोर्स ऑन अ नेटवर्क ये वायर होती हैं तार होते हैं जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर से रिलेटेड रिजोर्स को द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र डिपेंड्स ऑफ द टाइप ऑन केबल द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो स्पीड होती है इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होने की एक नेटवर्क का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाई जा सकती है तो हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी तेज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है ये उतना ही अच्छे नेटवर्क का होबी होती है हमारी स्पीड जितनी अच्छी होगी हमारा नेटवर्क उतना अच्छा है तो ये हमारी स्पीड का एक फैक्टर होता है कि केबल पे भी डिपेंड होता है कि केबल किस टाइप यूज़ की जा रही है अच्छी केबल यूज़ की जाएगी तो उसकी ट्रांसफ़र ऑफ़ स्पीड ज़्यादा होगी इंफॉर्मेशन की और अगर ख़राब केबल यूज़ की जा रही है तो उसकी ट्रांसफ़र ऑफ़ स्पीड लो होगी अब कनेक्टर्स क्या होते हैं टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू कम नेटवर्क विद दी हेल्प ऑफ द डिवाइस कॉल्ड कनेक्टर दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं किसी नेटवर्क में एक डिवाइस है जिस डिवाइस को ही कनेक्टेड बोलते हैं मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हो या कई सारी पेरी डिवाइसेस हैं वो आपस में जब नेटवर्क किसी नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट की जाती हैं तो वायर को ऐसे ही नहीं जोड़ दिया जाता है जैसे बिजली के तार को जोड़ दिया जाता है और टेप मार दिया जाता है ऐसा नहीं होता इसमें एक छोटे छोटे डिवाइस लगते हैं वायर में जो कंप्यूटर्स में आसानी से केबल को कनेक्ट कर देते हैं इन डिवाइस को ही कनेक्टर्स बोलते हैं अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है एन आई सी इज़ अ डिवाइस एन आई सी एक डिवाइस होती है दैट इज़ यूज़ टू ज्वाइन केबल जो यूज़ की जाती है केबल को ज्वाइन करने के लिए टू अ कंप्यूटर कंप्यूटर में इट इज़ इंस्टॉल्ड इन साइड अ कंप्यूटर ये कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है द एजेस ऑफ द कार्ड इज़ प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर जो इसकी एज होता है वो कंप्यूटर के पीछे शो होता है आ एन आई सी हैज़ अ पोर्ट वेअर नेटवर्क केबल प्लग इन एन आई सी में पोर्ट होते हैं छोटे छोटे जिसमें नेटवर्क के केबल को जोड़ा जाता है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सीपीयू के पीछे देखेंगे तो वहाँ छोटे छोटे यूएसबी पोर्ट बने रहते हैं उसी पोर्ट में केबल को ज्वाइन किया जाता है तो यूएसबी पोर्ट के अंदर अगर हम देखें उसको सीपीयू खोल के तो एक कार्ड लगा रहेगा उस कार्ड को ही एनआईसी कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिफ्रेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टम्परेरी नेटवर्क परमानेंट और टम्परेरी नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है तो परमानेंट नेटवर्क इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क केबल्स आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर इस टाइप के नेटवर्क में केबल का यूज़ किया जाता है कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए इन परमानेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड केबल्स स्टे कनेक्टेड एंड इन प्लेस एट ऑल टाइम परमानेंट नेटवर्क में केबल्स हमेशा कनेक्टेड रहती हैं वो निकाली नहीं जाती हैं एक बार जोड़ दी गई तो वैसी लगी रहती है जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो किसी स्कूल का कंप्यूटर लैब वहाँ पर आ, केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं जिसको लैन भी बोलते हैं तो ये एक परमानेंट टाइप का नेटवर्क होता है इसको हटाया नहीं जाता है बार बार और टम्प्रेरी नेटवर्क क्या होता है दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ क्रिएटेड फॉर शॉर्ट टाइम ऐसा नेटवर्क जो थोड़ी देर के यूज़ के लिए बनाया जाए एंड देन डिसकनेक्टेड और बाद में डिसकनेक्ट कर दिया जाए तो इस टाइप के नेटवर्क को ही टम्परेरी नेटवर्क कहते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टम्प्रेरी नेटवर्क अकर्स वेन एन एम्प्लॉ कनेक्ट्स अ कम्प्यूटर ऐट हीज़ होम टू अ कम्प्यूटर ऐट ऑफिस यूजिंग अ मॉडम इसका जो एक बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल होता है वो ये होता है जैसे कोई एम्प्लॉई है किसी कंपनी का और अपने घर से काम करना चाह रहा है तो अपने घर के कंप्यूटर को ऑन करता है इंटरनेट का यूज़ करता है मॉडम के थ्रू और उसको उस इंटरनेट के थ्रू अपने ऑफिस या कंप्यूटर से कनेक्ट करके और अपना काम घर से ही कर लेता है तो इस टाइप का नेटवर्क थोड़ी देर के लिए यूज़ किया जाता है और फिर बाद में डिस्कनेक्ट किया जाता कर दिया जाता है जैसे तो टम्परेरी नेटवर्क बोलते हैं दूसरा एग्जाम्पल आजकल में ये ले सकते हैं जैसे एक मोबाइल का इंटरनेट हम ऑन करते हैं और जो है उसको दूसरे मोबाइल के वाईफाई के थ्रू उसको कनेक्ट कर लेते हैं और जब तक हमें यूज़ करना रहता है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का नेट यूज़ करते रहते हैं उसके बाद उसको हम डिसकनेक्ट कर देते हैं तो ये भी एक एग्जांपल टम्प्रेरी नेटवर्क के टाइप का हम ले सकते हैं